प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज भाजपा आईटी प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विदिशा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में आईटी प्रकोष्ठ द्वारा चुनाव के दौरान मोबाइल, एसएमएस, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने के अलावा वोट डालने के लिए प्रेरित करने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस बैठक में विदिशा लोकसभा सीट से सांसद और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज भी शामिल हुई। सुषमा ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव जीत के लिए हर संभव प्रयास करने की नसीहत दी। मीडिया से बातचीत के दौरान सुषमा स्वराज ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए पारंपरिक तरीकों को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन नई तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। तकनीक के इस्तेमाल से कम समय में ज्यादा प्रचार किया जा सकता है। प्रचार के पारंपरिक तरीके के साथ साथ अब आईटी की एक नई प्रचार विधा जुड़ गई है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आज का युवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और ये ऐसी विधा है जो घर में बैठ करके प्रचार करती है। इसमें आपको कहीं धूप में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं धूल धक्कड़ में बैठने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत प्रभावी विधा भी है, क्योंकि बहुत तेज़ी से चलती है। आपके जितने फॉलोअर्स हैं, आपने एक चीज़ कोई लिखी, वो उन तमाम फॉलोअर्स को एक साथ पहुँच गई। तो इसीलिए विदिशा लोकसभा के जो आईटी ट्रेंड हमारे बच्चे थे, उनके लिए आज हमने एक प्रशिक्षण रखा था। जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं आईटी सेल के, श्री अरविंद गुप्ता, वो आए थे और वो आज इस प्रशिक्षण को उन्हें दे रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। और चूंकि ये आधुनिक और परंपरा का संगम है, जो पारंपरिक अभियान है उसकी तो कोई तोड़ है ही नहीं। जब तक आप घर घर जाकर दस्तक नहीं देंगे, तब तक किसी दूसरी चीज़ का प्रभाव होता नहीं है। क्योंकि कितने लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर है, कितने लोग हैं जिनके पास आईटी की ये सुविधा है, लेकिन उन लोगों को घर जाकर दस्तक देना, हाथ जोड़कर वोट मांगना, उसके साथ साथ ये सप्लीमेंट करने वाली विधा अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वहीं आईटी प्रकोष्ठ के विकास बोंदरिया ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में आईटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को ये जानकारी दी गई कि वे लोकसभा चुनाव में आईटी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आज विदिशा लोकसभा के आईटी कार्यकर्ताओं का एक प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रतिभागी हैं आईटी सेल के, जो चुनावों में कैसे हमें लोकसभा चुनाव के लिए आईटी का उपयोग कैसे करना है, क्या व्यूहरचना रहेगी, उसके लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। संगठन में सुदृढ़ता लाने के लिए कम्युनिकेशन प्लान हमें कैसे बनाना, उसे कैसे अडॉप्ट करके उसे कैसे इफेक्टिव हमें करना है, उसकी यहाँ पे प्रशिक्षण हो रहा है। इसमें राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद गुप्ता जी दिल्ली से आए हुए हैं, वो भी विषय ले रहे हैं। मध्य प्रदेश पे हमने जो एप्लीकेशंस तैयार की हैं उसका डेमोंस्ट्रेशन हो रहा है, और नीचे के कार्यकर्ताओं से जो पेज प्रभारी और बूथ भी संभालेंगे, वहां तक हम क्या काम करें इसकी योजना बनाई जा रही है। 272 प्लस हमारा लोकसभा में बहुमत हासिल करने का मिशन है। इंडिया 272 प्लस एक पोर्टल बनाया है जिसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, जिसको हम सब बिखेर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि भाजपा के क्या उद्देश्य हैं, कैसे चुनाव की हमारा क्या घोषणा पत्र होगा, क्या हमारी नीतियां हैं, क्या हमारे प्रचार के तंत्र है, वो सब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।